नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजा सर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आप एप्लीकेशन फाइल देख सकते हैं, ये लायंस टीम जो कि रिजवान अंसारी की टीम की तरफ से शिक्षा मित्रों का हित सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हो गई है, उसने तैयार कर लिया और वो फाइल करने वाली है सुप्रीम कोर्ट। मैंने पहले ही कहा था कि अगर 71661 भर्ती अगर होती है तो ये मान के चलिएगा जो एक पक्ष है, एक तो 37339 के अलावा शिक्षा मित्र जो पक्ष है वो रिव्यू पिटीशन में जाएगा और एप्लीकेशन दाखिल जरूर करेगा सुप्रीम कोर्ट। उसी को देखते हुए शिक्षा मित्रों के भविष्य पर अगर देखा उन्होंने कि खतरा मंडरा रहा है, उसी को देखते हुए उनकी एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है रिजवान अंसारी की। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 सितंबर को एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें 69,000 में अवशेष 71661 पदों पर पार्शियल रिक्रूटमेंट करने को निर्देश किया गया। इस सर्कुलर का माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ताओं के पास भेजकर उनसे लीगल व्यू लिया गया। निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि कहीं ना कहीं इस 71661 पदों पर भर्ती अगर होती है तो इससे क्या होता है, शिक्षा मित्रों को नुकसान होगा। इसलिए रिजवान की टीम ने अपने एंगेज काउंसल श्री आर के सिंह साहब द्वारा एप्लीकेशन तैयार करवा ली है जो फाइलिंग होने के तैयार है, जिसे आज दाखिल भी कर दिया जाएगा। टीम कदापि नहीं चाहेगी कि कहीं से भी शिक्षा मित्रों का नुकसान हो, इसलिए टीम इस मामले में सदैव सक्रिय है। जब तक द लायंस टीम है तब तक किसी का भी हाथ उन्हें नहीं दिया गया। ये रिजवान अंसारी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और ये एक एप्लीकेशन फाइल डाली गई। देखिए साथियों, मैं पहले कह चुका हूँ, देखिएगा इस भर्ती में पैच बहुत है। समस्या यहाँ देखिएगा, बात यहाँ पर अगर ये 71661 पदों पर अगर भर्ती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 60-65 भर्ती भरी जा रही है। अगर ये मान के चलिएगा 0.001% भी ले लेते हैं, अगर फैसला 40-45 के पक्ष में आता है तो सरकार क्या करेगी, दोबारा से बड़ी बेंच में चली जाएगी, 5 जजों की जो बेंच होती है उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी दोबारा से, अगर मामला अगर सरकार के पक्ष में नहीं आता है इस वजह से। तो अब इसको खतरे को देखते हुए शिक्षा मित्रों की टीम ने, रिजवान अंसारी की टीम ने रिव्यू पिटीशन एप्लीकेशन फाइल तैयार कर ली और इनकी आज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाए, ठीक है। और अब ये मान के चलिए अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है तो ये मान के चलिए भर्ती पर स्टे फिर लगने वाला है 71661 पदों पर, जो ख्वाब देखा था मुख्यमंत्री ने। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ये लोग पता नहीं क्या सोच के, क्योंकि इन लोगों का एक हफ्ता, इन्होंने एक हफ्ता की बात कही थी, ठीक है, एक हफ्ते के अगर देखा जाए तो 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और कहने को अगर होना होगा तो आज ही सब कुछ हो जाएगा, आज ही लिस्ट जारी हो जाएगी, आज ही बता दिया जाएगा कि काउंसलिंग कब है कब नहीं। अगर आज नहीं हो रही है ये मान के चलिएगा 71661 भर्ती पर जो सर्कुलर जारी किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, ये एक जुमला था आप लोगों को शांत करने का, ठीक है साथियों। मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही कह रहा हूं, इसके अलावा बीएड लीगल टीम, इसके अलावा बीटीसी लीगल टीम की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, अगर सरकार 71661 पदों को भर्ती है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे साथियों, ठीक है। तीनों पार्टियाँ कोर्ट में जा रही हैं, ये मान के चलिएगा अगर कोर्ट में गई बात तो 101% स्टे लगने वाला है इस भर्ती पर, ठीक है साथियों। अभी के लिए इतना ही, जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल साथ जुड़ सकें।